बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां बड़े इमाम पाड़े से शाही मेहंदी का जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि जिसमें हाथी और ऊंट पर सवार की गई, साथ ही ये जुलूस रूमी गेट और घंटा घर होते हुए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। यहां देर रात तक अजारतारों की जियारत का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती रही। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, जो गमी का महीना होता है, जिसमें शिया समुदाय और भी तबके के समुदाय हैं वो इस मुहर्रम के महीने को शौक के रूप में मनाते हैं। बात करें तो इमाम हुसैन की कहा यह भी जाता है कि इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में यजीद ने उन्हें शहीद कर दिया था सिर्फ इंसानियत को बचाने के खातिर। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना कलवेज अव्वाद नकवी साहब हैं, जो शिया धर्म गुरु हैं, इनसे जानते हैं। मौलाना, आपका अनादि टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत कि आप यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए। गमी का महीना चल रहा है मुहर्रम, क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया के कोई भी गमी ऐसी नहीं है, कोई भी शोक ऐसा नहीं है जो इतने दिन मनाया गया, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, जैसे वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, करोड़ों लोग मारे गए वहाँ पर। लेकिन अब एक दिन के लिए कोई शोक बना दिया जाता है, दो मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरे, लाखों मार दिए गए। अब मालूम है कि साल में एक मरतबा दो मिनट के शोक हो जाता है, ना कोई रोता है ना कोई गम मनाता है। जलियाना वाला बाग में इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी, अंग्रेजों ने मारा था, आज भी दो मिनट के लिए शोक मना लिया जाता है, लोग ना रोता है कोई ना आंसू बहाता है। लेकिन ये ऐसा गम है इमाम हुसैन का, 1400 साल हो गया और आज भी उसी तरह से गम मनाया जाता है। आज रोते हैं लोग, आंसू बहाते हैं। ये आंसू नकली नहीं हो सकते, ये आंसू झूठे नहीं हो सकते, ये आंसू उसी के निकल सकते हैं जिसका दिल जो है वो इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ हो, जिसका दिल मिला हुआ इमाम हुसैन से, उसी के आंसू निकल सकते हैं, नकली आंसू नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि दिल से गम मनाया जाता है उनका, इमाम हुसैन का आज भी। तो अब सवाल ये होता है, क्या कुर्बानी दे दी 1400 साल पहले उन्होंने, कि आज भी सारी दुनिया में गम मनाया जाए, एक नहीं, इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। क्योंकि इमाम हुसैन ने दरअसल पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। यजीद सिर्फ इस्लाम का मुजरिम नहीं था, बल्कि वो इंसानियत का मुजरिम था, वो ह्यूमनिटी का पूरा मुजरिम था। उसकी ऐसी हरकतें थीं कि समझ लीजिए कि उसने अपने फूफियों से और अपने बहनों से और पता किसे किसे उसने सब ताल्लुकात बना रखे थे उसने, जो इस्लाम के बल्कि इंसानियत के अगेंस्ट है बिल्कुल। तो उसको ख़त्म करने के लिए और उसके काल को ख़त्म करने के लिए, उसके जो गलत हरकतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए हुसैन ने अपना पूरा ख़ानदान मिटा दिया, पूरा ख़ानदान मिटा दिया। उनको कोई उस पर फ़ायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ सब मिट गया उनको। अगर वो ज़िंदा रहते हैं तो कहीं के गवर्नर बना दिए जाते, कहीं के बहुत बड़े उनको अहदे मिल जाते, लेकिन इस्लाम ख़त्म हो जाता, दीन ख़त्म हो जाता, शरीयत बल्कि इंसानियत ख़त्म हो जाता। बहुत शुक्रिया अनादि टीवी से बात करने के लिए। ये तो शिया धर्म गुरु मौलाना जिन्होंने कहा कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। ये जो महीना है गमी का महीना है, इसमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सभी धर्म जाति के लोग इसे बहुत ही मोहब्बत से मनाते हैं, किसी तरीके का खलल ना डालें। कैमरा मैन रश्मि सिंह के साथ आतिफ लुकमान, अनादि टीवी, लखनऊ।